हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के पहले आर्टिकल की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल के बारे में। तो हम देखते हैं कि नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री में है और क्या क्या इसका है। देखो, अभी कंटेक्स्ट यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो डिवाइस प्रमोशन काउंसिल है, इसके निर्माण, इसकी स्थापना है वो की है। यानी कि MMDPC नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल है, इसको बनाया गया है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, ये आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहीं एग्जाम में कन्फ्यूज हो कि यार हेल्थ से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह हो, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बेसिकली इसको प्रमोट है वो किया जाएगा। और इसका काम ये है, जैसा कि नाम से पता भी चल रहा है, कि हमारे देश में जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस यूज़ होते हैं उनको प्रमोट बेसिकली है करती है, ताकि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं या फिर जो लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है मेडिकल डिवाइस की, वो उनका यूज़ है बेसिकली कर सकें। इसके साथ ही इसके सेक्रेटरी हेड भी होते हैं, जो कि होते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल को हेड है, वो करने वाले हैं। इसके साथ इसको जो टेक्निकल सपोर्ट है वो यहाँ पे दिया जाएगा विशाखापट्टनम, यानी आंध्र प्रदेश में। बेसिकली एक कंपनी, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मेडटेक जोन। तो ये मेडटेक जोन है, इसके द्वारा इसको टेक्निकल सपोर्ट है, जो भी असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फैसिलिटेटिंग एंड डेवलपमेंटल बॉडी, यानी कि हमारे देश में जो भी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री यूज करी है डिवाइस वगैरह, उनको प्रमोट करने का काम है वो बेसिकली इसके द्वारा किया जाएगा। जगह जगह पे सेमिनार कंडक्ट करवाना, वर्कशॉप कंडक्ट करवाना, इसके साथ ही प्रमोशनल है, एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सारे काम नेशनल मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल के द्वारा किए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि इसके सेक्रेटेरिएट कौन होंगे, इसके जो चेयरपर्सन है वो होंगे बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन के जो सेक्रेटरी होंगे वो। मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली सेप्टी रिपोर्ट, SIPRI रिपोर्ट। सेप्टी रिपोर्ट की फुल फॉर्म वो है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि इस रिपोर्ट में आया क्या है, फिर हम जानेंगे कि सीपरी है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अभी सीपरी के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इस रिपोर्ट में बेसिकली इसने वर्ल्ड की टॉप 100 जो आर्म्स या वेपन जो प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं, कंपनी है, उनका नाम बेसिकली लिस्ट में रखा है। और इसमें इंडिया की भी 4 कंपनी है वो इसमें शामिल हैं, जैसे एक तो है इंडिया की इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, दूसरा है हिंदुस्तान एरोनोटिक, और तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और चौथा है भारत डायनामिक्स। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इंडिया के बीच में हैं कंट्रीज, इंडिया की कंपनी भी इसमें शामिल हुई हैं। और ये चारों की चारों कंट्रीज़ हैं वो आपको पता है कि गवर्नमेंट की PSU हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में शामिल काउंट है वो बेसिकली होती हैं। तो अभी इसमें कंटेक्स्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सिप्री रिपोर्ट में इंडिया की कंपनी है वो भी टॉप 100 में शामिल है वो हुई है। मतलब इंडिया है वो वेपन्स वगैरह काफ़ी अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में, इसीलिए उनको इस जगह इस लिस्ट में शामिल है, जगह है वो दी गई है। अब देखो, अहम बात क्या है यहाँ पे कि इंडिया है, इंडिया की जो 4 कंपनीज हैं, इन्होंने 2017 के साल में लगभग 7.52 यानी 7.52 बिलियन US डॉलर का बेसिकली जो वेपन्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, उनको सेल किया है। ये तो है बेसिकली कंटेक्स्ट। तो देखो, थोड़ा हमें ये ध्यान रखना है कि सीपी रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन कौन सी इंडिया की PSUs में शामिल हैं। अब हम जानते हैं अबाउट सीपी। देखो, सीपरी है वो बेसिकली, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसको 1966 में 1966 में इसको बनाया गया था, और यह बेसिकली स्वीडिश थिंक टैंक है, मतलब कि स्वीडन में है तो इसलिए स्वीडन का एक थिंक टैंक है, ये ध्यान रखना है। UPSC पूछ सकती है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, तो क्या ध्यान रखना है कि थिंक टैंक है, स्वीडन बेस्ड। इसके साथ ही अहम बात, इसका काम है वो है रिसर्च इन कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, मतलब वेपन्स वगैरह को लेके एक तरीके से रिसर्च वगैरह करती है, उनको कंट्रोल करने के बारे में गाइडलाइंस वगैरह, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही ऑल ओवर वर्ल्ड में डाटा को एनालिसिस करती है, वेपन्स वगैरह से रिलेटेड पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, मीडिया वगैरह हैं उनके साथ। तो ये बेसिकली इसका काम है। अब देखो, यहाँ पे इंडिया के बारे में एक फैक्ट है ध्यान रख लेना कि इंडिया है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी वेपन सेल किए जाते हैं उसमें 2% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का है, मतलब 2% से भी कम ही है। इंडिया की कंपनीज तो आ गई हैं, बट फिर भी इंडिया क्या कर रहा है, अच्छी क्वालिटी के वेपन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एक्चुअली, जितने की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है वो रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि एक नंबर पे हम बात करें तो यूएस है सबसे ज़्यादा वेपन्स प्रोड्यूस करने वाला और सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाला। इसके बाद में आता है रसिया और फिर आता है यूके। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2% से भी कम है इंटरनेशनल मार्केट में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नेशनल मिशन ऑन GEM। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं है क्या। देखो पहले हम देखते हैं कि GEM है क्या। GEM के बारे में आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब है क्या यह? यह एक वन स्टॉप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल के द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया था। ये भी आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं पहले GEM के बारे में, फिर हम कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। देखो ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया। इस पोर्टल पे होता क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो लिस्ट किए गए हैं और इवन जैसे कोई जो बायर है वो भी इसमें अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है और सेल एक तरीके से जो सेलर है वो भी यहाँ अपने प्रोडक्ट डाल सकता है कि भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं मैं सेल करना चाहता हूँ या फिर किसी को रिक्वायरमेंट होती है, तो आपस में यहाँ पे एक तरीके से प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर सकते हैं। और इसमें ये इसलिए पोर्टल बनाया गया है ताकि जो जैसे मिनिस्ट्री वगैरह हैं इंडिया गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट है उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट वगैरह करनी होती हैं तो वो ऑनलाइन इससे प्रोक्योरमेंट है वो कर सकें। देखो तो पहले क्या होता था कि जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो अलग से चीज़ें खरीदते थे अपनी मनमर्जी से, जहाँ से उनको स्टेशनरी खरीदी है, जहाँ से उनको जो भी सामान खरीदना है वो, तो इसमें काफ़ी बार करप्शन के चार्जेस लगते थे कि भाई उन्होंने सामान बहुत महंगे में खरीदा, इतना इससे तो सस्ता सामान उनको यहाँ मिल जाता वगैरह वगैरह। तो इसलिए अब क्या कर दिया कि गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है उसको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो इस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दे कि हाँ भाई हमें ये चीज़ चाहिए, अब इसके बारे में बोल ली है वो लगेगी। उसके बाद जो भी सस्ती रेट में या जो भी उस क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा उससे वो चीज़ें खरीद ली जाएंगी। तो एक तो इसमें करप्शन के केसेज हैं वो कम होंगे, इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और जो नए नए इन्वेस्टर्स होंगे या फिर नए एक तरीके से कंपनी आने वाले हैं, नए स्टार्टअप्स आने वाले हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज उनको मार्केटिंग वगैरह में काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि अगर जैसे मेरे पास ये मान लो कि वो ट्रक वगैरह एक तरीके से मैं रेंट वगैरह पे देता हूँ तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैं ट्रक वगैरह रेंट पे देता हूँ कॉमर्शियल पर्पज़ वगैरह के लिए, तो फिर जिस भी मिनिस्ट्री या जिस भी डिपार्टमेंट को जरूरत होती है वो यहाँ से कॉन्टैक्ट करके एक तरीके से उन चीज़ों को प्रोक्योरमेंट वगैरह के थ्रू यूज है वो कर सकते हैं। तो ये तो बनाया गया था GEM पोर्टल, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अभी देखो इसके लिए बाद में गवर्नमेंट ने मिशन चलाया था इस GEM को प्रमोट करने के लिए, नेशनल मिशन ऑन GEM। अब इसका मेन मोटो यही है कि हमारे देश में जो भी प्रोक्योरमेंट वगैरह की जा रही है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हुई, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एजेंसी के बीच में, वो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है आपस में एक्सचेंज वगैरह है वो करेंगी। इससे फायदा क्या होगा, एक तो कैशलेस और एक कॉन्टैक्टलेस और डिजिटल इंडिया को प्रमोट है वो किया जाएगा। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। फिर ये थोड़ा डाटा दिया गया है लास्ट 18 महीने का कि जो GEM पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल की हेल्प से पिछले 18 महीनों में लगभग $1.5 बिलियन का जो प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन है वो किए गए हैं। तो मतलब एक तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन में काफ़ी बेनिफिट इसके द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट आज के लिए आपका क्वेश्चन है वो है बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज से पास है वो होती है। पहला ऑप्शन आपके सामने जाम्बेजी, दूसरा है रिवर सेरिन, तीसरा ऑप्शन है डेन्यूब और चौथा है मिसिसिपी। तो पहले तो आप ये कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ये रिवर है कहाँ कहाँ, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है ये आप बताइए। जाम्बेजी रिवर कहाँ फ्लो करती है और कंट्री नहीं बतानी आपको सारी। इसके बाद में रिवर सेवन से वो कौन से कॉन्टिनेंट में कहाँ मतलब किस तरह फ्लो करती है वो आपको बताना है, डेन्यूब रिवर के बारे में बताना है और मिसिसिपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपके लिए वो है बेसिकली कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनमें से कौन सी को RBI के द्वारा रिकॉग्नाइज है वो किया जाता है, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है, कैटेगरीज की कंपनीज है जिनको RBI नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तहत शामिल है वो करती है। पहला ऑप्शन आपके सामने एसेट फाइनेंस कंपनी, दूसरा है लोन कंपनी, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट कंपनी, चौथा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो देखो मैं आपको बता दूं कि चारों के चारों जो कंपनीज हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तहत आती हैं और RBI इनको रिकॉग्नाइज है वो करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। देखो कंटेक्स्ट कुछ खास है नहीं, बस इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं कि अभी ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका एक केस चल रहा था और उसको लेके अभी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय है वो दिया है। तो ये तो बेसिकली कंटेक्स्ट था जो कि हमारे कुछ काम का नहीं है, बट हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। देखो जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल है इसका काम ये है
कि टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कोई भी केस होते हैं कंपनीज के बीच में हो चाहे जो भी हो, उनके जो इंटरेस्ट हैं कस्टमर के उसमें इंटरेस्ट होते हैं इनको प्रोटेक्ट करना, इसके साथ ही कंज्यूमर है उसको बेटर सर्विस नहीं मिल रही है तो उसके बारे में कुछ कंप्लेंट्स हैं उनको बेसिकली सोल्व करने का। जैसे देखो होता क्या है, बेसिकली तो हमारे देश में जो टेलीकॉम सेक्टर है इसको ट्राई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और इसके लिए एक बाकायदा एक्ट भी बनाया गया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। बट कई बार क्या होता है कि ट्राई भी गलती हो जाती है, उससे भी कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। इस कंडीशन में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपील ट्रिब्यूनल है उसका निर्णय शामिल है, फाइनल है वो होता है। तो ये बेसिकली कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ सर्विस प्रोवाइडर हो गए जैसे कि एयरटेल वोडाफोन है, इनके भी इंटरेस्ट को फोकस करती है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और दो इसके मेंबर होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट है वो किया जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है इसकी पावर और ज्यूरिडिक्शन में कि इसमें ट्राई एक्ट 1997 के केस तो शामिल है ही है, इसके साथ इसमें एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 इसके केस भी इसके द्वारा सुनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा एक पॉइंट अलग हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि नाम में देख लग रहा है कि यार टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपील ट्रिब्यूनल है तो क्या पता टेलीकॉम सेक्टर के केस ही फाइनल करता होगा, बट ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखना है कि एयरपोर्ट के जो टेरिफ मैटर्स वगैरह होते हैं या फिर एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 में जो भी प्रावधान किए गए उनसे संबंधित केस भी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपील ट्रिब्यूनल के द्वारा सुलझाए जाते हैं। तो ये इफेक्ट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप आराम से गैस से वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इको सेंसिटिव जोन के बारे में। तो पहले तो देखते हैं कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अभी डायरेक्शन है, एक तरह से गाइडलाइंस आई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के लिए कि भाई आप है हमारे देश में जो नेशनल पार्क हैं उनके बाहर का जो 10 किलोमीटर का एरिया, जैसे कि ये नेशनल पार्क है तो इसके बाहर का जो 10 किलोमीटर का एरिया है, 10 किलोमीटर की रेंज है, इस वाले एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन है वो घोषित कीजिए। और इस जो ये ऑर्डर है ये बेसिकली 21 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे देश में उन पर अप्लाई होने वाला है। ऐसा क्यों हुआ आपके दिमाग में यह होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों पारित किया। देखो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ हम बात करें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है सॉरी, ना तो वो ढंग से इसको लेकर काम कर रही थी क्योंकि बायोडाइवर्सिटी वो लगातार खतरे में पड़ रही थी। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी कोई नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इनफ कदम नहीं उठाए थे। तो एट लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर है या गाइडलाइन है वो जारी की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कि भाई आप है और नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर 10 किलोमीटर की रेंज को इको सेंसिटिव जोन के नाम पे घोषित है वो कीजिए। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इको सेंसिटिव जोन के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, मतलब उसमें इको सेंसिटिव जोन की डेफिनेशन या उसके बारे में कोई भी मैंशन वगैरह नहीं की गई है। ये फैक्ट तो रखना है हमें ध्यान में। अब चलते हैं आगे। अब देखो जो हमारा एक्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसमें एक दो पॉइंट क्या है वो देखते हैं। जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है इसका सेक्शन 232 है, इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी एरिया में रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बेसिकली इंडस्ट्री और ऑपरेशन और इसी के साथ ही वहाँ पे कोई भी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो अलाउ नहीं होगी। तो एक तो इस आर्टिकल का यूज़ करते हुए आप बोल सकते हो कि इस सेक्शन का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट इको सेंसिटिव जोन को डिफाइन है वो करती है। इसके साथ ही इसका एक सेक्शन और है 5(1), उसमें भी ये कहा गया है कि गवर्नमेंट किसी भी लोकेशन में बेसिकली वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इंडस्ट्री में, इसके साथ वहाँ पे लिमिट लगा सकती है कि भाई इस लिमिट से ज़्यादा आप पोल्यूशन नहीं कर सकते, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कह सकती है। मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो वहाँ पे उस एरिया को सेंसिटिव घोषित करके वहाँ पे लिमिट है वो लगा सकती है और इसी के आधार पे गवर्नमेंट इको सेंसिटिव जोन को घोषित करती है। क्यों? क्योंकि इको सेंसिटिव जोन के बारे में क्लियर वहाँ पे कुछ कहा गया नहीं है, इस वर्ड का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। इसके साथ आपको बता दूँ कि इको सेंसिटिव जोन या फिर इकोलॉजिकली फ्रेंडली जो एरियाज हो या फिर नो डेवलपमेंट जोन है वो सारे ही वर्ड हैं, ये बेसिकली इको सेंसिटिव जोन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउ नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे इन चीज़ों को बैन कर देती है। और ये जो भी सारे काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पोर्टल इंश्योर के बारे में। तो देखो पोर्टल इंश्योर है ये बेसिकली नाबार्ड के द्वारा डेवलप किया गया है, तो एक तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है कि नाबार्ड के द्वारा पोर्टल इंश्योर डेवलप किया गया है। अब ये पोर्टल इंश्योर करेगा क्या वो भी हम देख लेते हैं। और बेसिकली इसको ऑपरेट किया जाएगा वो क्या जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज के द्वारा। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है। अब बात ऐसी है
देखो जो नाबार्ड के द्वारा काफी सारी आपको बताया कि प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके अंदर क्या है कि सब्सिडी भी दी जाती है, और जो पैसा होता है सब्सिडी के अलावा इससे पेमेंट वगैरह हो कोई या फिर इसी के साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना हो तो उन सब के लिए पोर्टल बनाया गया है इंश्योर पोर्टल। इसकी हेल्प से होगा क्या कि हमारे देश में जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम चलाया गया है इसके तहत जो भी सब्सिडी मिलेगी, जो भी फार्मर्स होंगे या फिर जो भी एनिमल हस्बेंड्री हैं या फिर फिशर्स वगैरह हैं, वो सब्सिडी बेसिकली इस पोर्टल की हेल्प से, इंश्योर पोर्टल की हेल्प से उनको डायरेक्टली उनके अकाउंट में, बेनिफिशियरी के अकाउंट में पुट आउट कर दी जाएगी। तो इसलिए इंश्योर पोर्टल को डेवलप किया गया है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।